समस्त किसान परिवार को मेरा प्रणाम, मेरे बड़े बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को। हम किसी भी जगह पहुंच जाएं, किसी भी पद पर पहुंच जाएं, लेकिन हमारी जड़ें वहीं हैं, उन्हीं किसानों के साथ जिनके हम बच्चे हैं। किसी भी स्थान पर पहुंचने से के बाद हम ये जानते हैं कि हम उन किसानों के बच्चे हैं जो किसान यहां बैठे हैं अपने हकों की लड़ाई के लिए। 26 तारीख को हम भी उस परेड में शामिल थे। हमने देखा कि बड़े हमारे बुजुर्ग व्यक्ति, हमारे बूढ़े परेड में पैदल जा रहे थे, उनके पैर दर्द कर रहे थे, बच्चे जा रहे थे, और यह सरकार उनको आतंकवादी कहती है। यह शर्म से डूब के मरने की बात है उन लोगों के लिए। इस सरकार ने किसानों के खिलाफ इतने षड्यंत्र किए हैं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सरकार सावधान हो जाए कि इनके जितने भी षड्यंत्र हैं वो कामयाब नहीं होंगे। सारे जितने भी एडवोकेट साथी हैं वो हमारे किसानों के साथ हैं, समस्त हरियाणा किसानों के साथ हैं, और हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। जो लोग किसानों के ऊपर हमले करते हैं, मैंने सुना था कि कुछ बाहर से व्यक्ति आए थे जिन्होंने हमले किए थे किसानों के ऊपर, जो इस सत्ता के आरएसएस के बंदे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले जानो कि आरएसएस का और इसका बीजेपी का बीज क्या है। बाबा लालदास जी जो पुरोहित थे, जो कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए थे, अयोध्या मंदिर के अंदर उनकी एक स्टेटमेंट के बाद, एक साल के बाद उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा था कि ये सिलाई लेकर घूमे, इन्होंने प्रॉपर्टियों पे कब्जे किए, जितना चंदा आया वो खा ले, कभी भी अयोध्या के अंदर दंगा नहीं था, दंगे का कारण ये लोग थे। ये जहां भी जाएंगे दंगा करवाएंगे। अगर कोई भी आदमी अपने हक की लड़ाई की बात करेगा तो ये वहां षड्यंत्र करेंगे, यही इनकी नीति है और यही इनकी मंशा है। तो हमें सावधान रहना है, इनकी किसी भी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देना है। सभी किसान भाई हमारे गांव के, हमारे गुहांड के जितने भी हैं वो यहाँ आए हुए हैं, हमारा पूरा का पूरा सपोर्ट किसान भाइयों के साथ है। और मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी इन ये वारदात करते हैं किसानों के साथ, तो वहां पर एक काउंटर कंप्लेंट डालनी चाहिए, चाहे वह ऑनलाइन क्यों ना हो, ताकि हम अपनी बात बाद में कोर्ट में भी रख सके। जैसे दो विधायकों ने अपने गुंडों के साथ मिलकर गाजीपुर के अंदर किसानों पर हमला किया था, तो हमें भी वहां कंप्लेंट डालनी चाहिए। ये मेरी विनती है किसान मंच के अपने बुजुर्गों से और सबसे। तो जितने भी हमारे अधिवक्ता साथी हैं, 30,000 के हुए या दिल्ली की कोर्ट के कहीं के भी हुए, मेरा उनसे निवेदन है आप भी आइए, साथ दीजिए। ये हमारे ही बुजुर्ग लोग हैं, हमारा ही परिवार है। अगर परिवार के लिए नहीं तो इन नौकरियों पर बैठने का फायदा भी नहीं है। तो सभी आइए और किसानों का साथ दीजिए। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब। हो बेनती करता।